वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, बट डिस्कस करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकल एकेडमी। ओके, देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को शॉर्ट में CVS बोलते हैं, ठीक है। कार्डियो मींस हार्ट एंड वास्कुलर मींस ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये हो गया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ब्लड वेसल्स एंड और हार्ट का मिलकर बना होता है। ओके, तो हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या पार्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसके मिलकर बना होता है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। मेनली टू पार्ट से मिलकर बना होता है, एक क्या हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो हम कह सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हार्ट क्या होता है, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन मीन्स मसल्स मिलकर बना होता है। क्यों मसल से मिलकर बना होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमें मतलब जो हार्ट को कांटेक्ट करना पड़ता है। क्यों कांटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड को पंपिंग करना पड़ता है। हार्ट को ब्लड को पंपिंग करने के लिए हार्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मसल्स। मसल क्या कराती है, कॉन्टेक्शन करवाती है। इसलिए हार्ट किसका बना हुआ होता है, हार्ट मसल्स का बना होता है। ओके, हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। किसका पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है कहाँ पे, पूरी बॉडी में, ठीक है। जिस तरीके से पूरी बॉडी में पंप का हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, और ब्लड ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। ठीक है, हार्ट का काम पंपिंग करना, ठीक है, ब्लड को ब्लड वेसल में भेज देना, पंप कर देना। और ब्लड वेसल क्या करती है, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को पहुंचाती है। हम जानते हैं ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए टू थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग इज़ ऑक्सीजन एंड सेकेंड थिंग इज़ न्यूट्रिशन। हम जानते हैं ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है हमारी बॉडी को, ब्लड से मिलता है। तो ब्लड को कौन हमारी बॉडी में पहुंचाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पहुंचाता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होता है। हार्ट क्या काम करता है, हार्ट ब्लड को पंपिंग करता है। और ब्लड वेसल क्या करता है, ब्लड वेसल क्या करता है, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है या भेजता है। इस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। इस तरीके से पर्सन एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करता है, ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं, हार्ट क्या होता है, हार्ट इज़ अ मायोजेनिक। हार्ट क्या, कैसा ऑर्गन होता है, हार्ट मायोजेनिक ऑर्गन होता है। ये मायोजेनिक क्या होता है, मायोजेनिक उसको बोलते हैं जो इम्पल्स को खुद मतलब अपने से ही जनरेट करता है। इम्पल्स क्या, इम्पल्स इज लाइक ए करंट, एक करंट की तरह इम्पल्स होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक ये हार्ट को पंप करने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है, साथ साथ जो इम्पल्स है पूरे हार्ट में क्या होती है, पूरे हार्ट में सर्कुलेट होती है इम्पल्स। तो इम्पल्स को हार्ट खुद जनरेट करता है, सेल्फ जनरेट करता है। इम्पल्स लाइक ए करंट। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से हार्ट इज अ मायोजेनिक। मायोजेनिक उसको बोलते हैं जो सेल्फ इम्पल्स का जनरेशन करे, ठीक है ना। जैसे हम ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, कहाँ ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या साइनो एट्रियल नोड है, क्या है ये साइनो एट्रियल नोड है। ये कहाँ पे पाई जाती है, राइट एट्रियम में पाई जाती है, ठीक है। राइट एट्रियम में पाई जाती है, सुपेरियर वेना कैवा के नीचे लोकेट होती है। ये जो साइनो एट्रियल नोड, इसको ब्रीफ में क्या बोलते हैं, SA नोड। ये क्या काम करती है, इम्पल्स का जनरेशन करती है, इम्पल्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, फिर उसके बाद हम हार्ट के लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि हार्ट की लेंथ कितनी होती है। हार्ट इज 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर हार्ट की लेंथ होती है। हार्ट की वेट के बारे में डिस्कस करते हैं, हार्ट का वेट कितना होता है। देखिए, मेल और फीमेल में हार्ट का वेट अलग अलग होता है। अगर हम मेल की बात करें, मेल में हार्ट का वेट होता है 280 ग्राम से लेकर
कितना 340 ग्राम तक रहता है, कितना 280 ग्राम, बिटवीन 280 to 340, मतलब 280 से 340 के बीच में वेट होता है हार्ट का किसमें, मेल में, जबकि फीमेल में कितना होता है 230, टू कितना होता है 230 to 280, मतलब 230 से 280 के बीच में फीमेल में होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं फीमेल का वेट थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल की, मेल। ओके, हार्ट का शेप कैसा होता है, हार्ट कोनिकल शेप होता है, कोन के आकार के होता है, तो हम कह सकते हैं कि हार्ट इज अ कोनिकल इन अ शेप। ओके, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट के लोकेशन के बारे में, हार्ट कहाँ पे लोकेट होता है। ओके, हार्ट कहाँ पे लोकेट होता है, हार्ट के लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट देखिए, हार्ट थोरैक्स में लोकेट होता है। थोरैक्स क्या होता है, देखिए थोरैक्स राइट्स, देखिए ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है क्या, स्टर्नम, ठीक है। राइट साइड क्या होता है, जो रिब्स होगी, लेफ्ट साइड रिब्स होगी, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थोरैक्स बोलेंगे या चेस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो हार्ट ये देख रहे हैं हमारा क्या है, ये स्टर्नम है, बीच में एक बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है ना। नेक है, ये नेक है, नेक के नीचे जब आएंगे, ये नेक है, नेक के नीचे जैसे ही आएंगे, इसके नीचे एक बीच में एक फ्लैट बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये नेक हो गया, ये बीच में एक फ्लैट बोन है, इसको क्या बोलेंगे, स्टर्नम। ये राइट साइड रिब्स हो गई, ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड रिब्स हो गई, ठीक है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थोरैक्स, क्या बोलेंगे, ये स्टर्नम, उसके बाद रिब्स देख रहे हैं, राइट पार्ट ऑफ द रिब्स, लेफ्ट पार्ट ऑफ द रिब्स, ये सब मिला करके क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे थोरैक्स या चेस्ट बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या हार्ट। तो ये जब ये थोरैक्स है ये एरिया, या इस एरिया को क्या बोलेंगे, चेस्ट बोलेंगे। तो हार्ट कहाँ पे लोकेट है, चेस्ट में या थोरैक्स में लोकेट है कि नहीं, लोकेट है, प्रेजेंट है। तो हम कर सकते हैं कि हार्ट कहाँ पे लोकेट होता है, चेस्ट में, या कह सकते हैं थोरैक्स में लोकेट होता है। दूसरा लोकेशन बता दें, ये किस जगह पे होता है, थोड़ा से लेफ्ट साइड, ये नहीं कि राइट और लेफ्ट क्या बोलते हैं रिब्स के बीच में, नहीं, थोड़ा से लेफ्ट साइड जो है लोकेट होता है, ठीक है ना। जिसे ये स्टर्नम है, रियली होता कहाँ पे लोकेट होता है, स्टर्नम के पीछे हार्ट लोकेट होता है, कहाँ पे, देख लीजिए, ये स्टर्नम है, ये हमारा स्टर्नम है, ये हार्ट है, ये स्टर्नम को ऊपर करिए और हार्ट को नीचे, ये हार्ट हो गया, ये हार्ट है, ये हमारा ये स्टर्नम है, ये हार्ट हो गया। तो हार्ट ऐसे नीचे पीछे वो लोकेट होता है, स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं इस तरीके का बनाना, लेकिन आप समझ लीजिए कि स्टर्नम ये हो गया, स्टर्नम को हमने ऊपर उठाया इस तरीके से, ये इसको पीछे, ये हार्ट आ गया, हार्ट इसके पीछे, लेकिन ये नहीं कि ना जस्ट पीछे नहीं होगा, जस्ट पीछे ये नहीं होगा, ये हार्ट हो गया, ये स्टर्नम हो गया। तो ये स्टर्नम, ये हार्ट, हार्ट मतलब स्टर्नम के जस्ट पीछे नहीं होगा, थोड़ा से लेफ्ट साइड ये होगा, इस तरीके से होगा। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से होगा, देख रहे हैं पीछे, लेकिन लेफ्ट साइड थोड़ा सा खींचा हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं हार्ट लोकेट होता है कहाँ, स्टर्नम के पीछे लोकेट होता है, लेकिन स्टर्नम के लेफ्ट साइड के पीछे लोकेट होता है ना, ठीक है। ये हम देखिए लोकेशन, दूसरी भी थर्ड लोकेशन बताते हैं, ये क्या है, ये रिप्स, हमने इसमें स्ट्रक्चर में रिप्स है, देखिए ये रिप्स है ना, ये राइट रिप्स है, ये लेफ्ट रिप्स होगा, बीच में क्या होगा, स्टर्नम होगा। तो राइट रिप्स के नीचे एक लंग्स होगा, और लेफ्ट क्या बोलते हैं, लेफ्ट रिप्स है वहाँ पे एक लंग्स होगा। हम जानते हैं टू टाइप्स ऑफ लंग्स होते हैं, लंग्स दो टाइप के होते हैं, एक दो टाइप के लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं, टाइप नहीं कहते, दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग, एक लेफ्ट लंग। राइट लंग वो होता है जो राइट थोरैक्स के नीचे, रिप्स के नीचे लोकेट होता है, ठीक है ना। चेस्ट में वो भी लोकेट होता है, राइट रिप्स के नीचे लोकेट होगा, ठीक है, क्या, लंग्स, उसको राइट लंग बोलेंगे। लेफ्ट रिप्स के बीच में लोकेट होगा, उसको लेफ्ट लंग बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग है, इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये हार्ट है, हार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट राइट और दोनों लंग्स के बीच में, मतलब राइट और लेफ्ट लंग के बीच में भी लोकेट होता है। तो हमने लोकेशन 3-4 हिसाब से बता दी। एक चीज़ और देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, ये क्या है, एक ये इसको बोलेंगे डायफ्राम, क्या बोलेंगे, डायफ्राम। तो ये डायफ्राम के ऊपर क्या है, ये हार्ट ही है ना, देखिए ये डायफ्राम है, ये क्या है, हार्ट है। तो डायफ्राम के ऊपर हार्ट है कि नहीं, हम कह सकते हैं अगले उसमें कह सकते हैं कि हार्ट
किसके ऊपर लोकेट होता है? डायफ्राम के ऊपर लोकेट होता है। हमने चार पांच तरह से, चार पांच तरीके से हमने लोकेशन को बता दिया कि कहाँ कहाँ पे लोकेट होता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जो है चैम्बर के बारे में। किसके बारे में? चैम्बर में, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखिए, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखेंगे, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, देख लिए ना, 4 चैम्बर होते हैं। ये देखिए 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर। ये देखिए 2 अपर चैम्बर हो गए, ये 2 अपर चैम्बर, ये 2 लोअर चैम्बर। हम कह सकते हैं हार्ट इज हैविंग अ 4 चैम्बर, 2 अपर चैम्बर एंड 2 लोअर चैम्बर। तो अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? अपर चैम्बर जो होता है एट्रियम, अपर चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है ना। समझ आया ना कि अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं, ये देखिए अब बीच में एक पार्टीशन है, इसको बोलते हैं सेप्टम, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये सेप्टम हो गया। तो हम अपर चैम्बर की बात करते हैं, ठीक है ना। अपर चैम्बर, अपर चैम्बर कितने हैं? 2 होते हैं। देखिए कौन, देखिए ये अपर, हम नीचे वाला छोड़ देते हैं। राइट एट्रियम, राइट मतलब राइट साइड एट्रियम, एट्रियम होता है असल, पूछिए अपर चैम्बर क्या होता है? एट्रियम होता है। राइट वाला एट्रियम का पोर्शन राइट एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट वाला एट्रियम का पोर्शन क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम हो गया। फिर लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं लोअर चैम्बर को, क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। तो राइट साइड वेंट्रिकल इसलिए राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वेंट्रिकल इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है ना। तो कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। राइट नंबर 1 हो जाएगा राइट एट्रियम, नंबर 2 कर लीजिए लेफ्ट एट्रियम, नंबर 3 राइट वेंट्रिकल, नंबर 4 हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके,